हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। आज हम प्रीपोजिशन के अंतर्गत टू तथा इनटू का प्रयोग पढ़ेंगे। टू तथा इनटू का प्रयोग किस तरह के वाक्यों में कब किया जाता है, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो टू तथा इनटू दोनों का प्रयोग गतिशील वस्तुओं के लिए किया जाता है। टू और इनटू, टू के पहले इन जुड़ जाता है, इनटू हो जाता है, और दोनों का अर्थ होता है को। ओके, तो टू तथा इनटू का प्रयोग गतिशील वस्तुओं के लिए किया जाता है, यानी जब हम कहीं जाते हैं, कहीं से अपने आप को जोड़ते हैं, तब हम उन क्रियाओं के साथ जो मोशन यानी गति को शो करती हैं, जैसे गो है, कम है, तो हम मोस्टली टू या इनटू का प्रयोग करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई गो टू मार्केट, आई गो टू द टेम्पल। ओके, तो गो यानी गतिशीलता शो करने वाला वर्ब है, इसलिए इसके बाद टू आया है, तो याद रखें। इसी तरह इनटू, इनटू प्रीपोजिशन है, इनटू भी गति शो करता है, किंतु यह अंदर की तरफ की गति को शो करता है। जहां आप हैं वहां से नीचे की तरफ गति शो करता है, यानी अंदर की तरफ गति शो करता है, तो वहां पर आप इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कुआं है, आप उसमें कूदे या कोई भी व्यक्ति कूदा, तो ही जंप्ड इनटू द वेल, ही फेल इनटू द वेल, ही फेल इनटू द रिवर। ओके, तो इस प्रकार से अंदर की तरफ गति हो, चाहे गो इनटू या गोज इनटू या फेल इनटू या जंप्ड इनटू आप लगा सकते हैं। यानी अगर अंदर की तरफ गति शो करना हो या अंदर की तरफ गति हो, तब आप वहां पर प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे ही जंप इनटू द वेल, वह कुएं में कूदा, यानी उसकी गति अंदर की तरफ थी। या ही फेल इनटू द वेल, वो नीचे की तरफ गिरा। ओके, उसकी जो दिशा थी वो नीचे की तरफ थी, यानी अंदर की तरफ थी। ओके, तो जब समतल यानी प्लेन समतल स्थान पर आपको जाना हो, कहीं से जुड़ना हो, तब आप वहां पर टू का प्रयोग करें, और अगर अंदर की तरफ गति शो करना हो तब आप इनटू का प्रयोग करेंगे। ओके, ये इनटू का प्रयोग अंदर की तरफ गति के लिए होगा, अंदर की तरफ गति के लिए, और टू का समतल की तरफ प्रयोग करते हैं। ओके, आप और जनरली कहीं पाते होंगे, या जनरली आप कहते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान को, यानी एक स्थान से अलग होते हैं और दूसरे स्थान को आप जुड़ते हैं, तो जिस स्थान से आप जुड़ते हैं उसके पहले टू का प्रयोग करते हैं, और जिससे अलग होते हैं उसके पहले फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे फ्रॉम उज्जैन टू कानपुर, उज्जैन से कानपुर को, तो देखिए आप कानपुर को यानी कानपुर की तरफ से आप जुड़ते हैं, इसलिए उसके पहले टू लगा है। इसी तरह टाइम में भी आप से और तक के लिए आप टू का प्रयोग करेंगे, और से के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे बोर्ड परीक्षा 7:30 बजे से 11:15 बजे तक चलती है। ओके, तो यहाँ 7:15 बजे यानी 7:30 to 11:15। ओके, तो इस प्रकार से अगर आपको कहीं दूरी बताना हो, यानी फ्रॉम गोंडा टू बहराइच, ओके, समय बताना हो कि फ्रॉम 11 to 12, तो आप वहाँ पर तक के लिए टू का प्रयोग करेंगे।
यस, अब आगे बढ़ते हैं। वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट होने पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का यूज करते हैं। यानी आप ऐसे भी सेंटेंस पाएंगे जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होगा, जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होगा उसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है। ओके, तो जब हम वाक्य लिखते हैं तो वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम बाद में लिखते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं वाक्य में, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाया जाता है। ओके, जैसे सी हियर आई गेव ए पेन टू राम, या इसमें पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव। ओके, तो राम आप यहाँ देखिए सजीव है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाया गया है। लाइक वाइज अनदर एग्जाम्पल इज हियर, अंजलि टीचेस इंग्लिश टू अस, आर्यजी टीचेस इंग्लिश टू अस। सी हियर, अस यानी बी और ऑल ऑफ अस, हम सभी ये सजीव हैं इसलिए इसके पहले टू लगा है और इंग्लिश निर्जीव है। ओके, तो इस प्रकार से जब डबल ऑब्जेक्ट वाक्य में यूज किए गए हों तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में लिखा गया हो वाक्य में, तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट, इसके अलावा आपको कुछ ऐसे निश्चित वर्ब मिलेंगे जिनके साथ में टू प्रीपोजिशन लगता है। इन वर्ब्स को आपको याद करना पड़ेगा। मैं वर्ब्स कौन कौन से हैं, जैसे अडॉप्ट टू, अडॉप्ट टू का मतलब अपनाना, अनुकूल करना, एग्री टू माने सहमत होना, अटेंड टू, बिलोंग टू, बिलोंग यानी संबंधित होना, कंप्लेंड टू समवन यानी किसी से शिकायत करना, किसी के खिलाफ जब शिकायत आप करेंगे तो कंप्लेंड अगेंस्ट हो जाएगा, लेकिन जब किसी से शिकायत करेंगे तो वहां पर कंप्लेंड टू हो जाएगा। ओके, इसी तरह इनवाइट टू ए लंच, जब किसी को आप किसी चीज के लिए इनवाइट करेंगे तो टू लगेगा, इनवाइट टू ए लंच या इनवाइट टू ए डिनर, ऑब्जेक्ट टू, प्रेफर टू, लिसन टू, इन सभी क्रियाओं के साथ में टू प्रीपोजिशन आता है। इसी तरह कुछ विशेष शब्द हैं जो देखने में आपको कंपैरेटिव डिग्री के लगेंगे लेकिन वो कंपैरेटिव डिग्री के नहीं हैं। इन कंपैरेटिव डिग्री के बाद में जनरली दैन लगाया जाता है, किंतु ये शब्द आपको देखने में कंपैरेटिव लगते हैं, किंतु इनके बाद में टू का प्रयोग होता है ना कि दैन का। कौन कौन से शब्द हैं, ये शब्द हैं जूनियर, सीनियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, प्रायर। ओके, तो इन शब्दों को आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, कुछ ऐसे आपको सर्टेन नाउंस मिलेंगे, कुछ ऐसे निश्चित संज्ञाएं होती हैं जिसके बाद में टू प्रीपोजिशन आता है और कोई दूसरा प्रीपोजिशन नहीं आता है। वो कौन कौन से हैं, वो कुछ नाउंस लिखे हुए हैं। आप देखिए, अटेंशन टू माने ध्यान, की टू यानी कुंजी, किसी की सफलता की कुंजी, जैसे अटेंशन टू माय वर्ड। ओके, या ही पेड अटेंशन टू द वर्ड्स, की टू यानी कुंजी सफलता की, ऑब्जेक्शन टू, रिप्लाई टू, विटनेस टू, ग्रेटिट्यूड टू, या ऐसे कुछ निश्चित नाउन हैं जिनके बाद में टू प्रीपोजिशन आता है। इसी तरह से कुछ निश्चित एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद में टू प्रीपोजिशन आता है। ये एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं, किस तरह के हैं, यहाँ पे देखिए, एसेंशियल टू माने आवश्यक, फैथफुल, अगर आपको फैथफुल एडजेक्टिव मिलता है तो आप उसके बाद टू लगाएंगे, फेथफुल टू, लॉयल टू माने भी वफादार होता है,
नेसेसरी टू या नेसेसरी के बाद में टू प्रीपोजिशन आएगा। इसी तरह हॉस्टाइल टू का मतलब किसी के साथ शत्रुता या वैरी का भाव रखना, वो हॉस्टाइल के बाद आएगा। ऐसे ग्रेटफुल माने एहसानमंद से बात टू आएगा। ओबीडियंट टू आज्ञाकारी, रिस्पॉन्सिबल माने जिम्मेदार, सिमिलर माने समानता, ट्रू टू माने पक्का होना, प्रेफरेबल माने अधिक पसंद करना। तो इस प्रकार से कुछ निश्चित वर्ब हैं और कुछ निश्चित नाउन हैं, कुछ निश्चित एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद में टू प्रीपोजिशन आता है। इन शब्दों को आप याद कर लीजिए और आपसे गलती तब कभी नहीं होगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसे नोट कर लें। और विशेषकर टू और इनटू दोनों गति के लिए यूज किया जाता है। अंदर की तरफ गति के लिए आप इनटू का यूज करें और सामान्य तौर पर यानी सामान्य समतल प्लेन जगह पर आप जब जाएं और उससे जुड़ें तो आप वहां पर टू का यूज करें। ओके, तो आई होप आपको टू और इनटू का प्रयोग समझ में आ गया होगा। आप यह चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।